आज के इस वीडियो में हम इस ओल्ड पुराने हाउस को न्यू लुक कैसे देते हैं उसकी फुल प्रोसेस जानेंगे, ताकि आप अगर अपने घर को कलर करते हो तो आपको पहले से ही इसकी पूरी प्रोसेस पता होना चाहिए। वीडियो 3 पार्ट्स में होंगी क्योंकि हाउस बड़ा है, कम से कम 15 दिन लगेंगे इसे कंप्लीट होने में, तो मैं आपको बैक टू बैक वीडियो प्रोवाइड करता रहूँगा। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आपने देखा कि हाउस बाहर से पूरा काला पड़ चुका है, इस वीडियो में हम हाउस की घिसाई जो कि तार ब्रश से की जाती है और उसके बाद पूरे हाउस को वॉश करेंगे। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम अच्छे से पूरी बिल्डिंग की घिसाई करेंगे, देखें किस तरह हमारे पेंटर बिल्डिंग की घिसाई कर रहे हैं। और जो ओल्ड कलर बिल्डिंग को पहले से लगा हुआ है उसे तार ब्रश की मदद से निकाल रहे हैं। चलिए हम उन्हें झाड़ू दे देते हैं। हमें इस कालेपन को अच्छे से घिसाई करनी होगी। क्योंकि हम यूज करने वाले हैं वेदर कोट, एक्सटेरियर कोटिंग, बर्जर, होम सील, डैम स्टॉप, इलास्टो। ये एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है आपके ओल्ड हाउस को सरदारे से बचाने का। उसके ऊपर हम यूज़ करेंगे बर्जर वेदर कोट एंटी डस्ट, जो कि डस्ट प्रूफ एंड वेदर प्रूफ एक्सटीरियर इमल्शन है, और डैम स्टॉप इलास्टो पर ये एक बेस्ट ऑप्शन है। खैर वो रही अगली वीडियो की बात, इस वीडियो में हम सिर्फ वो घिसाई और वॉश करेंगे पूरी बिल्डिंग को, देखिए इस तरह से।